एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कैसे अपना फर्स्ट फॉरेन क्लाइंट ला सकते हैं। यदि आप कोई सर्विस या फिर कोई प्रोडक्ट आप अपना सेल करते हैं, कोई सर्विसेज आप देते हैं और आप चाहते हैं कि आपका रीच आउट थोड़ा ज़्यादा बढ़े, आप फॉरेन तक भी पहुँच पाएँ, तो जो चीज़ें, जो एक्सपीरियंस मेरे रहे हैं, जो मुझे हेल्प किए हैं, मैं इस वीडियो में वो आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं योगा सिखाती हूँ, मैं योगा टीचर हूँ, तो मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो योगा लर्नर्स हैं और अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत सारे ऐसे फॉरेनर्स हैं जो इंडियन वे ऑफ योगा सीखना चाहते हैं। देर इज़ एक्चुअली अ डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन योगा, है ना, ईस्टर्न योगा एंड वेस्टर्न योगा। तो कुछ हैं जो इंडियन स्पेसिफिक योगा सीखना चाहते हैं और हमें भी अच्छा लगता है सिखाकर, डेफिनेटली। तो मेरे साथ जो सबसे ज़्यादा चीज़ें काम की थी, मतलब कि फॉरेन क्लाइंट्स जो आए थे, वो थ्रू थे इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन। इनमें मैंने प्रोफाइल बनाई थी और इसके थ्रू मुझे डायरेक्ट आया था कि आई हैव अ डॉटर एंड शी वॉन्ट्स टू लर्न योगा एंड शी इज़ फ्रॉम कैनेडा, शी इज़ फ्रॉम साउथ अफ्रीका और शी इज़ फ्रॉम सिंगापुर। ऐसे अलग अलग जगहों से मुझे इधर ईमेल आया या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम आया और तब मुझे पता चला कि फॉरेन में भी लोग इतना इंटरेस्टेड हैं योगा सीखने के लिए और वो भी इंडियन स्पेसिफिक टीचर्स से। तो फिर धीरे धीरे मैंने सिखाना शुरू किया। तो यदि आप भी ऐसी कोई सर्विस या फिर प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी कि सोशल मीडिया का यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपनी सोशल मीडिया पर प्रोफाइल बनाइए, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, है ना। फेसबुक पे कई सारे ऐसे पेजेस हैं जहाँ पे आप अपनी जो भी आपका वर्कशॉप है या इवेंट्स आप करवाते हैं, आप उसकी डिटेल डाल सकते हैं उस ग्रुप्स में और जो भी इंटरेस्टेड होंगे वो उसमें आपसे डीएम करके या फिर ईमेल करके आपसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे। अभी ऐसा है कि फेसबुक पे कुछ पेजेस इसी के लिए ओरिएंटेड है, जैसे योगा जॉब्स ओरिएंटेड, है ना, योगा लर्नर्स ओरिएंटेड, योगा टीचर्स ओरिएंटेड, है ना, एरिया वाइज योगा टीचर्स। आप इस तरह से सर्च करेंगे कि तो योगा पे आपको पेजेस मिल जाएंगे फेसबुक पे और उस पर जब आप डालेंगे अपनी क्लासेस की डिटेल्स तो वहाँ पे जनरली वही लोग होते हैं जो योगा में इंटरेस्टेड होते हैं, तो वो आपकी वर्कशॉप, आपकी क्लासेस के बारे में सुनने और समझने में इंटरेस्टेड होंगे। तो आपको अपनी एक टारगेट ऑडियंस वहाँ से मिल जाएगी। फिर तो अभी नेक्स्ट क्या है कि आपने जैसे अपनी सोशल मीडिया पर प्रोफाइल बना ली। अब कई बार क्या होता है, मैं से कई सारे योगा टीचर से एक्चुअली मिली हूँ जो इतने नहीं है यूज़ टू सोशल मीडिया को लेकर, मतलब अपनी फ़ोटोज़ वगैरह डालने में इतने कंफर्टेबल नहीं है। तो ज़रूरी नहीं कि आपको अपनी ही फ़ोटो डालनी है। मेरा मतलब ये है कि जैसे आप कोई योगा स्कूल चलाते हैं, ठीक है, तो आप ऐसा एक ऑनलाइन योगा स्कूल, द ऑनलाइन योगा स्कूल करके आपने एक इंस्टाग्राम पर पेज बना लिया। अभी आप उसमें जो भी आपकी लर्निंग्स है अबाउट आसन, जो भी आप क्लास में सिखाने वाले हैं, जो भी आपका क्लास का सेटअप होगा, मैट वगैरह, फिर फ़ोन, लैपटॉप, जिससे भी आप क्लास लेने वाले हैं, वो डिवाइसेस की फ़ोटोज़ या फिर आसन की फ़ोटोज़ या फिर कुछ भी, मतलब मेडिटेशन से रिलेटेड जो भी आप क्लास में एक्चुअली सिखाने वाले हैं, आप उसको रिटन फॉर्म पे या फिर बुक्स का कटआउट लेकर या फिर इमेजेस लेकर थोड़ा सा उसको क्रिएटिव बनाकर आप इंस्टाग्राम पे रेगुलरली पोस्ट करते जाइए और एक्चुअली सोशल मीडिया पर आपकी कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है, जो मैं नहीं हो पाती हूँ कंसिस्टेंट, पर यदि आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो आपको डेफिनेटली है कि आपको डीएम्स आएंगे, आपको ईमेल्स आएंगे आपकी क्लास से रिलेटेड। और हर पिक्चर के कैप्शन में आप अपना ईमेल डालना मत भूलिएगा, क्योंकि फॉरेन क्लाइंट्स जनरली ईमेल्स में ही डील करते हैं, वो कुछ जनरली मेल करेंगे, तो आप जितना फ्रीक्वेंटली अपना व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम चेक करते हैं उतना ही फ्रीक्वेंटली अपना ईमेल चेक करना भी मत भूलिएगा। आप जैसे योगा स्कूल का आपने इंस्टाग्राम पे तो पेज बना लिया, क्योंकि आपके पास क्लाइंट्स आ गए, आप उनसे बात करने लगे। अब मेजर एक प्रॉब्लम आती है टाइम जोन की, क्योंकि देखिए हर जगह टाइम का प्रॉब्लम हो जाता है ना, टाइम अलग अलग रहता है, तो इसके प्रो भी है कॉन्स भी है। देखिए यदि कुछ ऐसे टाइमिंग्स होंगे जिस टाइमिंग में आप नहीं सिखा सकते होगा ना, उनके लिए वो गुड टाइम होगा पर आपके लिए वो बहुत ही बैड टाइम होगा, तो आप नहीं सिखा सकते, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पर हाँ, इसकी फ़ायदा ये है कि हो सकता है किसी की आपकी शाम किसी की सुबह बन सकती है ना। तो आप जैसे कि कैनेडा की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ का 3:30-4:30 वहाँ का अर्ली मॉर्निंग रहता है, तो इस समय जनरली इंडिया में कोई नहीं सीखना पसंद करता, तो आप इस टाइम को यूज़ कर सकते हो अपने फॉरेन क्लाइंट्स के साथ डील करके। तो इस तरह से टाइम जोन को थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा सेटअप और आ जाएंगे। और इंस्टाग्राम में भी ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत सारे फॉलोअर्स होने चाहिए, आपकी बहुत फ़ैन फॉलोइंग होनी चाहिए तभी आपका पेज रीच आउट करेगा अदर कंट्रीज़ में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा जब फर्स्ट क्लाइंट आए थे तब मेरी थी 700 के कुछ अराउंड मेरे इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स थे जब मुझे फर्स्ट आए थे फॉरेन के, तो लाइक
वो भी 700 भी बनाने में खैर मुझे टाइम लगा, बट आप भी करेंगे तो सबके लिए अपनी अपनी जर्नी होती है. बट आई वुड सजेस्ट टू जस्ट बी रेगुलर एंड कीप पोस्टिंग थिंग्स, कीप पोस्टिंग योर फोटोज, वीडियोज रिलेटेड टू योर कॉन्टेंट, यू नो, रिलेटेड टू योर सर्विसेज एंड प्रोडक्ट. एंड आई एम श्योर यू विल गेट अ लॉट ऑफ इंक्वायरीज अबाउट योर क्लासेस. और आई विश कि आपको आप जैसा एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जैसे लोगों के साथ, अब वैसा बिल्कुल आपको करने को मौका मिले. एक और चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि लैंग्वेज एक काफ़ी बैरियर बन जाता है कई बार. जैसे इंडिया की ही बात करें तो जैसे पुडुचेरी से मेरे पास एक फैमिली का आया था, पर उनके साथ प्रॉब्लम ये थी कि चीज मतलब उन इंग्लिश उनकी उतनी बेटर नहीं थी कि वो मुझे समझ सके. अभी क्या होता है कि आसन आप दिखा के ठीक है कि योगा ही तो करना है ना, आसन करके आप दिखा दिए, पर ब्रीदिंग टेक्निक समझाना, मुद्रा वगैरह समझाना, ये मेडिटेशन वगैरह ये कराना बहुत मुश्किल हो जाता है. क्योंकि जब आप बता ही नहीं पाओगे तो आप कैसे बताओगे कि कैसे इनहेल करना है, कैसे एक्सहेल करना है, ये तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है. तो लैंग्वेज समटाइम्स बैरियर बन जाती है. बट मैंने कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी देखे आज जो बस ऐसा कि आप तो हमें आसन ही सिखा दो, आप तो जितना आप जैसा करोगे आप बस फोन ऑन करके आप करते जाओ, हम देख देख के आपको कर लेंगे. तो फिर वैसी ही सिचुएशंस भी रहती हैं. बट यस, ऑल टुगेदर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. आप कुछ नई कंट्री के नए लोगों को आपको जानने का मौका मिलता है और कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्राउड वाली बात भी हो जाती है. सो या, दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू गेट योर फॉरेन क्लाइंट्स. आई होप दीज थिंग्स वर्क फॉर यू. एंड इफ वर्क फॉर यू, यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा. और आपको लग रहा होगा कि मैं चाय पी रही हूँ, पर मैं चाय नहीं, मैं गर्म पानी पी रही हूँ जो भी अब ख़त्म हो गया है. चलिए ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी बात को भी ख़त्म करती हूँ और ब्यूटीफुल सनसेट में एंजॉय कर रही हूँ. मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट नई इन्फॉर्मेशन के साथ. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.